इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम और पहला। अरे ये आ और मैं वेट कर रहा हूँ मनीषा का। तू किसका कर रही है? रानी का, मनीषा रानी का। तो ये मेरा पता है, मैं मैक्स इस वाले मैक्स हॉस्पिटल में भी ना इंटरव्यू देने गई थी, हुड्डा सिटी मैक्स में इंटरव्यू देने गई थी। बिसर गए ये भी थैली सेंस है और ये भाई जी मिल गए मुझे थैली सेंस साइज। तो मैंने राखी वाला पार्सल भी दे दिया है। हमारे साथ यहाँ पे आए हैं आनंद विहार तक। हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। हाँ, और ये वाला भी बनी, ये वाला भी। भैया गर्मी से बौखला गया। मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिल गई गाड़ी में। तो हमारी 10:42 की सुबह और अभी हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दिल्ली वालों, कैसे लग रहा है दिल्ली की सुबह देख के? सुबह दिल्ली की सुबह, इतनी आलसी सुबह मैंने अपनी जिंदगी में इतनी देर में नहीं उठा। मैं 10:30 बजे मतलब सुबह 6:30 बजे उठने के बाद फिर सो गया क्योंकि सब लोग सोए थे। जैसा देश वैसा भेस। यस, और कॉफी का कप चाय मुझे लगा कॉफी और तीन चाय। पूजा बना के लाई है अभी चाय और हम पियेंगे चाय और खाएंगे बिस्किट। तो अभी बज रहे हैं 3 और हम लोग ना, आज हम लोगों ने नाश्ता तो किया गया क्योंकि 10:30-11 बजे तक तो हम लोग उठे। तो हम लोगों ने ब्रंच किया। मैंने आज खाना बनाया बड़े 2 महीने बाद। तो मैंने बनाई थी आज भिंडी की सब्जी और रोटी, जो भिंडी की सब्जी इन्होंने काटी थी, आटा फिर मैंने गूंदा, जो मैंने खाई नहीं दिल्ली आ गए। हाँ, और अभी हाल फिलहाल चलो हम लोग रेडी हो रखे हैं। इसको आ रखा है फीवर और अभी अभी इनकी बात हुई तो जो हमारे यहाँ के रवि भैया है ना, इनके दोस्त लंगोटिया यार, तो वो हमको बाई चांस यहीं पे वाले मैक्स हॉस्पिटल में मिल गए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहीं पे, साकेत नई मालवीय नगर। बाहर का मौसम और यहाँ अंदर वाले माहौल में तो धरती आसमान का फर्क है भाई। चलो चलो, तो हम लोग पहुंच गए हैं मैक्स हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पे, जहाँ पे भैया ने हमको बोला था आने के लिए। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरा सपना था मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करने का। मैं इंटरव्यू देने भी आई थी यहाँ पे। ये मिल गए हमको भैया। अभी हमने पूजा को दिखा दिया है, इसको दवाई भी दे दी है, तो ये ऐसे लेट रखी है यहाँ पे। और इधर है रवि भैया। हेलो भैया ने हमारी यहाँ पे बहुत मदद करी और मुझे बाद में पता चला भैया मैक्स है ना। मदद करी भैया ने, हमारे लिए ग्रिल सैंडविच भी मंगाए और भैया हमारे लिए जूस भी लाए हैं। अब हम भैया की भी शाम को बहुत मदद करेंगे। एक और भैया यहाँ पे। हेलो भैया, भैया का नाम क्या है? गजेंद्र भैया यूपी से है, गज्जू, शॉर्टकट में गज्जू। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉफी ऑर्डर करी है और ये देखो दवाई खाई है। 4:30 हो गया, अब हम लोग भी वापसी जा रहे हैं। इसको मैंने दवाई खिला दी थी, भैया लोग भी आगे से लगे हुए हैं क्योंकि भैया लोग अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ना। मोटा मुझे लग रहा है आज भैया के साथ जाएंगे, आज इनकी पार्टी तो बनती है ऐसा। बाय बाय, थैंक यू। मंदिर में पूजा कर लेना, पर पत्थर चढ़ा देना। मंदिर का प्रसाद लेके जा रहे हैं हम घर को। चलो हो, अभी हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे और क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी लग गई है बाहर। और आज तो पूजा को दिखा दिया, अब कल इनका टेस्ट करवाएंगे क्योंकि कुछ टेस्ट जो होते हैं खाली पेट होते, तो हम लोग कल इनका टेस्ट करवाएंगे। पर आज तो पार्टी है, फिर कल टेस्ट कैसे होगा? और क्या बोलते, मेरा पता है मैं मैक्स इस वाले मैक्स हॉस्पिटल में भी ना इंटरव्यू देने गई थी, हुड्डा सिटी मैक्स में इंटरव्यू देने गई थी, पारस में इंटरव्यू देने गई थी और फोर्टीज़ में इंटरव्यू देने गई थी। पर उस टाइम पे मेरा वही रजिस्ट्रेशन वाला पंगा था, तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ भी था वो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में रुक गया था। और फिर तब से मैं ऐसी ही हूँ, तब से मैंने जॉब ही मतलब लॉकडाउन के बाद से, तो आपको पता ही है मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वरना मैं भी मैक्स हॉस्पिटल में होती। मुझे बड़ा शौक था कि मैं मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करूँ या तो फोर्टीज़ में जॉब करूँ, क्योंकि सबका ही सपना होता है ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना। मेदांता में भी इंटरव्यू देने गई थी मैं,
पर वहाँ भी मेरा ऐसे ही हो गया था, उन्होंने हरियाणा का रजिस्ट्रेशन बोला था तो मैं रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंस गई थी हर जगह, तो फिर नहीं किया। वरना आज तुम्हारी पूनम बिस्ट मैक्स हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती फार्मेसी में। तो क्या होता उससे? क्या होता, नाम होता मेरा, पर हाँ तब आप लोग मेरे को जान नहीं पाते है ना, अगर मैं हॉस्पिटल में ही होती तो, क्योंकि तब तो मैं हॉस्पिटल से घर घर से हॉस्पिटल थी, मेरा सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। बट सही है, जो होता अच्छे के लिए होता है ना। बाय बहुत बाय, ध्यान रखना हाँ, कल आ जाऊंगा सारा काम निपटा के मैं, ठीक है। और शाम के 7:45 हो गए हैं, ये जा रहे हैं अभी रवि भैया के यहाँ, तो आज मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। टाटा। आज हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, जो कि हमारे बचपन के मित्र से मिल के आ गए थे हम, पर अब दोबारा जा रहे हैं। बोलो, दोबारा जा रहे हैं, अब उनके घर पे जा रहे हैं आज। उनकी मैडम भी नहीं है उनके साथ और हमारी मैडम भी हमारे साथ नहीं है, तो हम जा रहे हैं उनके घर में, थोड़ा पुरानी बचपन की यादें ताजा करेंगे, क्योंकि ताई लोग और भाभी लोग तो सब गाँव में है, वरना मैं भी जाती अभी, पर अभी भैया यही जा रहे हैं भैया के साथ, तो हम कल मिलेंगे। कल मिलूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, कल वाले ब्लॉग में, ठीक है जी, फटाफट पहुंच के मुझे फोन करना। ओके जी, जैसा आप कहो जी जी। हम उत्तराखंड कब जाएंगे जी? जी अभी तो पहले भोपाल भाई लोग के वहाँ जाना है, फिर छोटी लोगों के वहाँ से राखी बंधवा के फिर जाएंगे हम उत्तराखंड, फिर आपको मस्त हसीन वादियों के सैर कराएंगे। तो फिलहाल हम चले, All set. ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और मैं दिल्ली अभी ड्यूटी जा रहा हूँ नाइट से। चलो पूजा भाई। तो आज है 27 तारीख। नमस्ते, प्रणाम और पहला। अरे ये आ गए। और मैं वेट कर रहा हूँ मनीषा का। तू किसका कर रही है? रानी का, मनीषा रानी का। तो ये दिन में ना अपनी पार्टी से होके आ गए थे भैया के घर से होते हुए, मुझे बाद में पता चला वो मेरे भैया नहीं है, वो मेरे चाचा ससुर है, तो मैं उनको ससुर जी बोलूंगी क्योंकि वो इनके चाचा लगते हैं। मेरे, मेरे चाचा के साथ कल मैं पार्टी में गया था। हाँ। मेरे चाचा जी मुझसे सिर्फ 2 महीने छोटे हैं। और अभी देखो, अभी हमारा सामान देखना। गुड इवनिंग, हे भगवान। और पहला पूजा अपना ध्यान रखना और बाकी पार्टनर्स का भी ध्यान रखना। पूजा अपने रूम की लाइटें बंद रखना। पूजा इसकी वीडियो बना लो। पूजा अपने रूम के खिड़कियां खुला रखना। भाई साहब इस बंदी ने इतनी गर्मी में है हिटलर, इतनी पूजा की जिंदगी झंड करके रखी हुई है। पूजा बेचारी एक तो अपने रूम से कहीं जाती नहीं है, पूनम ने उसको इतने भाषण दे दिए, इतने लेक्चर दे दिए, पूछो मत। हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और हम पुस्ता 2 है कि पुस्ता 2 का दूसरा छोर हो गया, दिल्ली हो गया कि बवाल हो गया। पौना घंटा हो गया हमको यहीं पे। मेरे तो 12 बज गए सकल के, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक ना है। ऐसे कौन करता है यार, 3 मिनट दिखाने लग गया ये अभी। और अभी आप ये देखो दिल्ली कैसे सजी हुई है एकदम, क्योंकि G20 सम्मेलन होने वाला है कुछ ही दिनों में। और सोनिया विहार को जाते जाते हमें बीच में लग गई बारिश, ये बेमौसम बारिश। बेमौसम तो नहीं है, मौसम तो है बारिश का, लेकिन ये अचानक सी बरसात ने सरप्राइज दे दिया हमें। ये देखो, हम कल रात को बुआ के घर पे पहुंच गए थे और बैग अब हमारा ऊपर आ रहा है। और इसको चाची का बैग तो ले जा, हेल्प करो। चलो इसको अंदर ले जाते हैं, बनी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। हाँ, और ये वाला भी बनी, ये वाला भी, दोनों डोट्यालू बोल दो, डोट्याल। हुजूर बैग अंदर ले जाओ हुजूर। अरे अरे बैठने का थोड़ी है, ओए शैतान, ओए बनी कंधे में डाल रहा। चल ऐसे चल, देखो मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ऐसे देख, ऐसे उतर उतर, ए, लग गिराना मत, उतर तो सही, ऐसे टाकते देखिए, ऐसे ऐसे टाकते, ये देख ऐसे ऐसे। चल अरे आप ऐसे करो, उसको आता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं आता।
इसको हमारे गुंडे को। और स्विगी में क्या ऑर्डर किया बता दो, उधर बताओ स्विगी में क्या ऑर्डर किया आपने? छोले भटूरे, और क्या किया? और मोमोज कितने किए बताओ, उधर उधर बताओ, गुड मॉर्निंग बोल दो, कुटाई कुटाई नहीं करनी है, गुड मॉर्निंग करनी है मोटू। अभी हम लोग आनंद बिहार आए थे, मुझे राखी का पार्सल पहुंचाना था, मुझे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिल गए तो मेरे लिए अच्छा हो गया थोड़ा। यहाँ गढ़वाली गाने लगे उनके लिए कुछ। हेलो हाँ चॉकलेट, मैं दिखाती हूँ मेरा पार्सल कौन लेके जा रहा है, देखो ये स्वीट था कपल जाने लगे हो, ये मिले हैं मुझे कहाँ ऐठी से जो मेरा पार्सल लेके जाएंगे। हेलो और थैंक यू बिसर गए ये भी थैली सैंड से, और ये भाई जी मिल गए मुझे थैली सैंड साइज से। हेलो 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 सब गांव जाना चाहिए, आप भी ब्लॉग बनाया करो इनकी तरह, फिर याद रखेंगे आपको। सब बिजी हैं आजकल जॉब में है ना, तो मैंने राखी वाला पार्सल भी दे दिया है। हमारे साथ यहाँ पे आए हैं आनंद विहार तक, ये है आगे हमारे जेठ जी हैं, मतलब यहाँ लगे थे पहाड़ी गाने बस स्टेशन में, वही इधर है भैया। भैया गर्मी से वो बौखला गया, मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिल गई गाड़ी में तो उसी को ही पकड़ा दिया। अच्छा मजा होगी मजे।